व्यूअर्स, जिन लोगों ने हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कराया हुआ है और वो जॉब के मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, यानी जिनको रनिंग करनी है, तो उनका ये सवाल रहता है कि हम कितने दिनों के बाद रनिंग स्टार्ट करें। ये सवाल जिम करने वालों के लिए भी होता है और रनिंग करने वालों के लिए भी होता है। इट्स वेरी सिंपल कि आपको अपनी रनिंग को ऑपरेशन के ठीक एक महीने बाद स्टार्ट करना है। अगर उसके बाद थोड़ा और वेट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते, टाइम बहुत कम है, तो आप एक महीने के बाद ही रनिंग को स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ जो अंडरगारमेंट आप यूज़ करेंगे, यानी अंडरवेयर जो यूज़ करेंगे, वो आपका परफेक्ट फिटिंग का होना चाहिए, अच्छे ब्रांड का होना चाहिए, जिससे कि वो आपके जो अंडकोशन को प्रॉपर सपोर्ट दे और जब आप रनिंग करें तो उसमें किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं, इसको आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में एक अंडरवेयर का ऑप्शन है, आप उसको क्लिक करें और वहां पर जाके जो भी वीडियोस आपके सवालों के अनुसार हैं आप उनको देखें। आपको वहां से पता चल जाएगा कि आप क्या साइज क्या होना चाहिए, आप किस तरीके से अंडरवेयर को यूज करेंगे, कौन सा ब्रांड ठीक है, किस तरीके का हमें पहनना चाहिए, क्या जॉक स्ट्रैप ठीक है या फिर लगोट ठीक है या फिर वी शेप ठीक है, ये सारे सवालों के जवाब आपको उन वीडियोस से मिल जाएंगे। वेल, आपका जो ये सवाल था ये इससे, साथ ही साथ जो दूसरे वीडियोस आप अंडरवेयर के देखेंगे उनसे काफी हद तक क्लियर भी हो जाएगा और आप यह भी समझ पाएंगे कि आपके लिए कौन सी अंडरगारमेंट बेस्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।